انا سهل. आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। ख्याल रहे, ये सिर्फ एक हाथ था, बाकी तुम खुद काफी समझदार आदमी हो। छोटे खान जी, इसकी दो गोलियां हल्दी वाले दूध के साथ दे देना। बहुत अच्छे। कुलदीप, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, अनिल की शादी में तुम्हें बहुत डांस करना है, नाचना है, गाना है। उसकी मंगनी में भी तुम ही रौनक थे, और उसकी शादी में क्या हुआ? देखता हूँ। शर्मा जी, नमस्कार। डैमिट, हटाओ ये, क्या ये? शूट एवरीवन ऑफ दिस बास्टर्ड्स। रिलैक्स जॉली, रिलैक्स। इन्होंने तो हमारा एक संदेशा पहुंचाना है, एक मैसेज, राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास। देवी जी, मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा।
उनसे कहिए कि ये रहे हम और ये रहे तुम और ये रहे तुम्हारी भारत माँ के बेटे। अब तुम्हें इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी राणा, गूंज गूंज। रुक्मणी, क्या हो गया? बच्चे सब कहाँ हैं? सांस ले रहा है, तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारना है, चलते हैं हम लोग अस्पताल, वहां सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, पीछे हटो, खोल एमरजेंसी। अरे अरे अरे,
अरे बेचारी का बड़ा लड़का तो मर गया था, छोटा भी मर गया। अरे पीछे हटिए ना भाई, आप लोग जहाँ खड़े खड़े भाती कर रहे हैं वो लोग तो गए अंदर। जी आप जाइए ना। रुक्मणी रुक्मणी, अरे अरे आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। घायल तो गए अंदर। राणा साहब बोलने की शक्ति चली गई है। क्या? इनकी बोलने की शक्ति चली गई है राणा साहब। शक्ति चली गई। कैदी को दवा देने गई थी, मैं भी साथ गया था। किस तरह के थे वो लोग? आप घबराइए मत, सोचिए। हाँ हाँ कोशिश कीजिए। चुप हो जा रुक्मणी। अरे इससे क्या पूछते हो, ये क्या बताएगी बेचारी। इसके तो जवान बेटे मर गए, कितना भरा पूरा परिवार था बेचारी का। त्रिपाठी साहब, वीरेंद्र बाबू राणा कहाँ है? वहां बैठे। राणा ये तुमने क्या किया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दुनिया को यह जताना चाहते हो कि एक डॉक्टर डैंग जैसे आदमी ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि अब इस डॉक्टर डैंग से युद्ध सिर्फ मैं लड़ूंगा। अकेले? अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय में 4 दिन से मेरी यही बातचीत चल रही। सरकार ने तुम्हारा इस्तीफा तो नामंजूर कर दिया। बहरहाल जो तुमने एक्सपेरिमेंट की अर्जी दी थी वो मंजूर कर ली। ये रही तुम्हारी गवर्नमेंट की मंजूरी। अब तुम अपनी मर्जी के 3 कैदी चुन सकते हो और बीएसओ डॉक्टर डैंग के खिलाफ जिस खुफिया मिशन पर जाना चाहो जा सकते हो। कैरियों में से तुमने 3 मुजरिम चुने और तुम्हें मालूम है राणा इन 3 को फांसी का हुक्म हुआ है? मालूम है मुझे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं। जी सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं? जी हां, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में है।